आप समाजवादी सर बिहार में सर बिहार में कथावाचक आए हैं, कह रहे हैं कि बिहार में कथावाचक आ रहे हैं, आए हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब तक आते रहेंगे और बिहार से उसकी लौ जलाएंगे। आजादी की लड़ाई हुई सर, और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं, तो बातें नहीं आता। इसको कोई बताता है क्या है बिहार देश का नाम क्या है? आप जरा बताइए तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए, हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है, कोई कर सकता है? सब बिहार से करने की कोशिश कर रहे हैं, नामकरण हुआ है, बताइए साहब आप लोग कोशिश कर रहे हैं अभी क्या सर? राम मैं कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है? आप किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है वहाँ बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ? तो ये सब कितने धर्म है, कितने लोग आते हैं देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो सब आते हैं, तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो कुछ भी हो सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो, सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें, उसमें तो हम लोग वो कर रहे हैं कि बिहार से ही शुरुआत में, देखिए बता रहे हैं बिहार से ही शुरुआत में, कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है, इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना, देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको आप मजबूरी है भीड़ से क्या करें? आपको लगता है कि देश में माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? हम इसीलिए बोल दिए, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हल्का और संक्षेप में, आपको लगता है कि देश में माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के लोग? देखिए एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए,
और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है, तो इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को कोई आपको लगता है सर कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? और कोई नहीं, नहीं, संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा? आपको आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना, संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है? या संविधान में कोई चीज होता है, इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी, तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है इन सब चीजों, कोई मतलब बाबा के समर्थक बोल रहे हैं, क्या बोलेगा? हम लोग कौन धर्म के जितने हैं, हम आपको बता रहे हैं 7, इन 7 जगह जब हम केंद्र में भी थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उस समय भी और बाद में भी हम कहां नहीं गए, देश भर के हर कोने में जा जा करके हम देखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई क्या करता है? आपके बारे में कह रहे हैं कि सरकार धर्म सहायता नहीं दिया है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार? नहीं नहीं, अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। हमारे खिलाफ, अरे हमारे खिलाफ बोलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, हमारे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान भी नहीं देते। आप आश्वस्त करते हैं बिहार में एकता बनी रहेगी? बिहार में एकता बनी रहेगी सभी जाति धर्म के? बिल्कुल, ये सब तो अच्छी तरह जानिए, देश में भी बना रहेगा। कोई ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता है। अब अभी लोग अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप बताइए तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे, कभी कोई हुआ है क्या हस्तक्षेप? तो इसलिए जरा समझना ना चाहिए भाई कि किसी चीज को जानना चाहिए, और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे, कोई किसी को रुकावट है? सब कर सकता है अपना। बहुत सुंदर भवन बना है सर, आज आपने उसका नहीं तो ही राज देखिए, हम लोग पहले ही से आ करके देख करके हर चीज में कहां क्या बनना चाहिए, बहुत समय से हम सबको सलाह दिए हुए, तो वही जहां जहां बन रहा है या बनने के प्रक्रिया में है तो जा जा करके देखते हैं कि जल्दी बना दो, तो मुझको खुशी होती है कि लोगों की सुविधा के लिए कितना बना रहे। तो यही सब नहीं तो खाली रहता इसे ही। भाई जब अंग्रेज लोगों का आया, बताइए जब पहली बार बना दिया यहाँ, तो उसी समय ना एक एरिया को कवर करके यहाँ पर तरह तरह का लोगों के लिए बनाया था, तो बेकार हो गया था, तो उसी में हम सबको इसको हटा करके नया बनाइए, ऑफिसर्स के लिए अच्छा बनाइए, कार्यकर्ताओं ये इनके लिए, वर्कर्स के लिए, सबके लिए, और कर्मचारी के लिए।